नर्सिंग के क्षेत्र में बैचलर डिग्री हासिल करने वाली छात्राओं को अब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए जिला या प्रदेश की बाहरी संस्थानों में जाने से निजात मिलने वाली है। जिला के अग्रणी नर्सिंग संस्थान हिमकेट्स कॉलेज में एमएससी नर्सिंग की क्लासेस शुरू करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस संस्थान में एमएससी नर्सिंग का कोर्स शुरू करने के लिए हरोली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता एवं एचपीएस आईडीसी उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष मांग उठाई थी। हिमकेट्स संस्थान के चेयरमैन देशराज राणा ने स्वास्थ्य मंत्री के एमएससी नर्सिंग क्लासेस शुरू करने का ऐलान पर उनका भार जताया। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र का यह संस्थान लंबे अरसे से जिला में छात्राओं को नर्सिंग की शिक्षा प्रदान कर रहा है। हालांकि अभी तक यहां पर बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाया जा रहा था, लेकिन अब एमएससी नर्सिंग कोर्स के शुरू होने से छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने संस्थान को एमएससी नर्सिंग की सौगात देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल का आभार जताया है। आप हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने अभी अभी हमारे हरोली विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने हिमकेट्स नर्सिंग कॉलेज के लिए एमएससी की कक्षाएं शुरू करने के लिए आश्वासन दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये कक्षाएँ जो हैं वो हमारे यहाँ शुरू हो जाएंगी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ये बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ मिलने वाली है क्योंकि उनको दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। और 20 सीटें हमारे जीएनएम नर्सिंग की बढ़ाने के लिए लिखा है, उसके ऊपर भी उन्होंने आश्वासन दिया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री जी हमारा ये पूरा ध्यान रखेंगे। मैं इसी के साथ प्रोफेसर राम कुमार जी का, जिन्होंने हमारी इस बात को प्रमुखता से स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में लाया और उन्होंने इसका पब्लिकली अनाउंस किया, इसके लिए मैं जहां स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, वैसे ही मैं जयराम ठाकुर जी का, हिमाचल सरकार का भी तहे दिल से अपने मैनेजमेंट की ओर से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता के क्षेत्र में चल रहे इस संस्थान के लिए एक बहुत बढ़िया उपलब्धि ये हमें दी है, इसके लिए सरकार का भी मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद। नर्सिंग के क्षेत्र में बैचलर डिग्री हासिल करने वाली छात्राओं को अब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए जिला या प्रदेश की बाहरी संस्थानों में जाने से निजात मिलने वाली है। जिला के अग्रणी नर्सिंग संस्थान हिमकेट्स कॉलेज में एमएससी नर्सिंग की क्लासेस शुरू करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस संस्थान में एमएससी नर्सिंग का कोर्स शुरू करने के लिए हरोली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता एवं एचपीएस आईडीसी उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष मांग उठाई थी। हिमकेट्स संस्थान के चेयरमैन देशराज राणा ने स्वास्थ्य मंत्री के एमएससी नर्सिंग क्लासेस शुरू करने का ऐलान पर उनका भार जताया। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र का यह संस्थान लंबे अरसे से जिला में छात्राओं को नर्सिंग की शिक्षा प्रदान कर रहा है। हालांकि अभी तक यहां पर बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाया जा रहा था, लेकिन अब एमएससी नर्सिंग कोर्स के शुरू होने से छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने संस्थान को एमएससी नर्सिंग की सौगात देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल का आभार जताया है। आप हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने अभी अभी हमारे हरोली विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने हिमकेट्स नर्सिंग कॉलेज के लिए एमएससी की कक्षाएं शुरू करने के लिए आश्वासन दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये कक्षाएं जो हैं वो हमारे यहाँ शुरू हो जाएंगी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ मिलने वाली है क्योंकि उनको दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। और 20 सीटें हमारे जीएनएम नर्सिंग की बढ़ाने के लिए लिखा है, उसके ऊपर भी उन्होंने आश्वासन दिया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री जी हमारा ये पूरा ध्यान रखेंगे। मैं इसी के साथ प्रोफेसर राम कुमार जी का, जिन्होंने हमारी इस बात को प्रमुखता से स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में लाया और उन्होंने इसका पब्लिकली अनाउंस किया, इसके लिए मैं जहां स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, वैसे ही मैं
जयराम ठाकुर जी का, हिमाचल सरकार का भी तय दिल से अपने मैनेजमेंट की ओर से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में चल रहे इस संस्थान के लिए एक बहुत बढ़िया उपलब्धि ये हमें दी है। इसके लिए सरकार का भी, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद।